हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरा पीआर हॉल, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट मुझे पीआर में रिसीव हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं वही सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। इससे पहले कि मैं सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी। इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी भी ब्रांड न्यू हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें मैं यूज़ कर रही हूँ, जिनका रीज़न मैंने अपने ब्लॉग्स में शेयर किया हुआ है। तो अगर आप मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते हैं तो प्लीज़ रेगुलर देखा करिए, क्योंकि अब मैं रेगुलर ब्लॉग शेयर करती हूँ और उनमें बिहाइंड द सीन है या मेरा डेली रूटीन, डेली लाइफ, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ मुझे पीआर में रिसीव हुआ है, कौन कौन से प्रोडक्ट या किस ब्रांड के प्रोडक्ट मुझे पीआर में रिसीव हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्रांड वाइज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अजानी ब्रांड का प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी तरफ से वैसे तो मुझे 4 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं, लेकिन सही देखा जाए तो वो 3 ही हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है इनका, तो ये है इनका टीलिया बर्ड्स एंड कोकोनट शैम्पू। और मैंने ये क्यों कहा कि आप 3 ही प्रोडक्ट समझिएगा, क्योंकि शैम्पू जो है वो मुझे 2 रिसीव हुए हैं, एक ये है और एक ये है। मैं इसे भी ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, जिससे कि क्लियर हो जाए कि हाँ 2 शैम्पू मुझे रिसीव हुए हैं। सेम शैम्पू, सेम वेरियंट, और इसका प्राइस है 459 रुपीज़, जिसमें आपको प्रोडक्ट क्वान्टिटी जो है 200 ml की मिलती है। एक्चुअली अभी सब कुछ बबल रैप है, क्योंकि कल ही इनमें सारे प्रोडक्ट मुझे कल रिसीव हुए हैं, तो मैंने इन्हें अभी तक ओपन नहीं किया है। तो ये है इसकी पैकेजिंग। वैसे इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था इनकी वेबसाइट पे, और मतलब ऑनलाइन भी सर्च किया था, तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा मतलब मिला है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है और 100% ऑर्गेनिक है। तो देखते हैं कि ये कैसा काम करेगा मेरे लिए और यहाँ पे। तो ये है सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि अजानी की तरफ से है। अब बारी आती है सेकेंड प्रोडक्ट, सेम अजानी एक्टिव केयर से, और ये है इनका बॉडी वॉश, और ये है एलोवेरा एंड टी ट्री ऑयल बॉडी वॉश, जो कि है पिपरमिंट फ्लेवर में, और इसका जो प्राइस है वो है 400 रुपीज़, और इसमें आपको 200 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ भी अभी तक ओपन नहीं है, ये थोड़ा सा स्पिल भी हो चुका है, मतलब लीक भी हो चुका है। तो ये है सेकेंड प्रोडक्ट। अब बारी आती है थर्ड प्रोडक्ट की। थर्ड प्रोडक्ट भी सेम ब्रांड से है, अजानी एक्टिव केयर, और ये है इनका बॉडी लोशन, जो कि है एवोकाडो फ्लेवर में, और इसका जो प्राइस है वो है 469 रुपीज़। अभी तक सब कुछ पैक है, और इसमें भी आपको 200 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। तो ये प्रोडक्ट मुझे अजानी एक्टिव केयर से रिसीव हुए थे। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मदर स्पर्स से, और ये है इनका बॉक्स। तो इसके अंदर मुझे कुछ इस तरह का डेनिम पाउच रिसीव हुआ है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे है हैशटैग मदर स्पर्स, और क्वालिटी बहुत अच्छी है सच कहूँ तो। हाँ, इसके बारे में मैंने अपने व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मुझे मदर स्पर्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं। क्यों, उनके पीछे मैं रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि मैं जब गोवा से यहाँ पे शिफ्ट हुई तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट अपने साथ नहीं लाई थी, और यहाँ पे सर्दी जो है उसका लेवल ही कुछ अलग है। तो ये जो प्रोडक्ट हैं, वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं, लेकिन विंटर के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। स्किन सेवियर का काम इन्होंने किया है, जो कि मैं इनके रिव्यू वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इनका 2 प्रोडक्ट, एक्चुअली 3, मैं सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। सबसे पहला प्रोडक्ट है इनका फेस वॉश, और ये है
पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस वॉश, और इसका प्राइस है 349 रुपीज़। और इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 100 ml की, और ये क्लेम करता है कि ये इंटेंस हाइड्रेशन है, इंटेंस हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को। नो डाउट इसका काम ये बहुत अच्छे से करता है। आपको पता ही होगा कि मुझे हिमालया का जो नीम फेस वॉश है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, और सच कहूँ तो अपने साथ मैंने वही एक फेस वॉश कैरी किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब ठंड में स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, इतनी ज़्यादा फटने लगी थी कि क्या ही कहूँ। लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे यहीं पर रिसीव हो गया था, मैंने यहीं का एड्रेस दिया था, तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, ये फेस वॉश यूज़ किया, और इसने स्किन सेवियर का काम किया है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपकी स्किन ड्राई है या वेरी ड्राई है, एक्स्ट्रा ड्राई है, और आप कोई अच्छा सा फेस वॉश सर्च कर रही हैं जो कि आपकी स्किन को नरिश्ड करे, तो आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि मैं यहाँ के बेसिस पे कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे यहीं पे यूज़ किया है, और जब इतनी कड़ाके की ठंड में ये फेस वॉश अच्छा काम कर रहा है तो ये हमेशा ही अच्छा काम करेगा। और अब बारी आती है सेकेंड प्रोडक्ट की। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो है इनका अल्ट्रा रिच फेस क्रीम विथ कोकम बटर एंड लैवेंडर ऑयल, और इसका जो प्राइस है 375 रुपीज़, जिसमें आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, और ये है इसकी पैकेजिंग। मॉइस्चराइज़र की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आई थिंक पॉन्स का मॉइस्चराइज़र कैरी किया था, या जो मैं नॉर्मल मॉइस्चराइज़र वहाँ यूज़ करती थी मैंने वही मॉइस्चराइज़र कैरी किया था। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट नहीं होते तो मेरी स्किन शायद और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती और ये एरिया से और भी ज़्यादा फटने लगती, लेकिन फ़िलहाल इन प्रोडक्ट ने बहुत हेल्प की है मेरी स्किन को बचाने के लिए। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। एक ही चीज़ है कि मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा चिल्ड है, मतलब ठंड की वजह से भी, और इसका टेक्सचर भी कुछ ऐसा है कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चिल्ड है। बहुत अच्छी क्रीम है, फिलहाल मैंने एक वीक से ज़्यादा यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद आई। नेक्स्ट प्रोडक्ट है इनका ओट मील एंड हनी फेस मास्क। मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज़ किया है अभी तक। रीज़न आपको पता ही है कि विंटर है, तो भाई इतना स्किन केयर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मैंने इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है। और इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़, और इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 100 ग्राम की। इसे पहले कि मैं आगे के प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि बगल के फ्लैट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं, लेकिन मुझे मेरे वीडियो शूट करने हैं। तो ये है इसकी मेन पैकेजिंग, जो कि प्लास्टिक टब पैक है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इस फेस पैक की बात करूं तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ये फेस पैक काफ़ी अच्छा लगा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसने कोई मैजिकल वर्क किया है मेरे लिए, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा है। जैसे कि हम फर्स्ट इंप्रेशन में देखते हैं कि प्रोडक्ट या है या ना है, तो ये प्रोडक्ट या है, अच्छा है। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इनका बॉडी बटर, और बॉडी बटर के बारे में आपको पता ही होगा कि बॉडी लोशन तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा इस कड़ाके की ठंड में। सॉरी, मैं इसका प्राइस बताना भूल गई। इसका प्राइस है 499 रुपीज़, और इसमें भी आपको 100 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, और ये दोनों की पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ ये देखिए, सिर्फ आपको इन्हें देख के ही पता कर सकते हैं आपकी अंदर मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, फेस मास्क है या फिर बॉडी बटर है। और बॉडी बटर की अगर मैं बात करूं, मैंने यूज़ किया है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगी है, इसका वर्क भी बहुत अच्छा लगा है। जबकि अभी तक मैंने ना तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट रीड की है, और ना ही मैंने मतलब इसकी कोई भी डिटेल्स मैंने रीड नहीं की है, जो कि ऑनेस्ट है। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ किया है, तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ कि हाँ, ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करके रखता है। मतलब स्वेटर के नीचे या जैकेट आप जो भी पहने, अगर उसके नीचे कोई प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कर रहा है, तो यकीन मानिए कि हाँ, वो प्रोडक्ट सच में अच्छा होगा। क्योंकि इस सर्दी में हम जो भी बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं, आधे से ज़्यादा तो हमारे कपड़े अब्सॉर्ब कर लेते हैं,
तो अगर ऐसे में कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हाँ आप उसे कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट सच में अच्छा है। वैसे रिव्यू शेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं काफी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। वैसे ये रिव्यू नहीं है, ये फर्स्ट इम्प्रेशन ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके साथ एक थैंक यू कार्ड है, एक्चुअली दो थैंक यू कार्ड थे। और नेक्स्ट है इनकी अंडर आई रिकवरी जेल, और इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ आई थिंक एक या दो बार ही यूज किया है, 2 दिन, 1 या 2 दिन ही यूज किया है, उससे ज्यादा यूज नहीं किया है। और इसका प्राइस भी आई थिंक 449 रुपीज़, और इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 15 ग्राम की। इनका जो फेस वॉश है वो एग्जैक्ट एलोवेरा जेल की तरह है, ट्रांसपेरेंट कलरलेस, वैसे ही कुछ ये जेल भी है, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। और ये है इसकी मेन पैकेजिंग। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने इनमें से किसी भी प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो ठीक से रीड नहीं की है, ना तो इन्हें यूज़ करने का जो मेथड है मैंने उसे रीड किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बाहर निकाला है, चेक किया है, पैच टेस्ट किया, उसके बाद मैंने इन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और ये भी बहुत अच्छी लगी है मुझे, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन की मैं बात बता रही हूँ कि हाँ मुझे अच्छी लगी है। अब बारी आती है वाव स्किन साइंस की। तो वाव स्किन साइंस की तरफ से मुझे आई थिंक 3 या 4 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। एक मच्छर उड़ रहा है, उसे भी वीडियो में फीचर होना है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है वाव स्किन साइंस का ग्रीन टी फोमिंग फेस वॉश, जो कि ब्रश के साथ आता है, और इसका प्राइस है 449 रुपीज़, जिसमें आपको 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और ग्रीन टी या टी ट्री सुनते ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि चाहे ग्रीन टी हो या टी ट्री हो, दोनों ही मेरे फेस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का फेस वॉश है, जिसमें आपको ब्रश भी मिल जाता है। विंटर के लिए बहुत अच्छा है कि आपको अपने हाथ जो हैं उन्हें गीला नहीं करना पड़ेगा, और आप ऐसे ही फेस वॉश यूज़ कर लेंगे। ये फेस वॉश मुझे क्यों अच्छा लगा मैं वो बता देती हूँ। इसके साथ आपको फिलर जो है, रिफिल पैक जिसे बोला जाता है, वो भी मिल जाता है, मतलब आपको अलग अलग बाई करना पड़ेगा। फेस वॉश का प्राइस मैंने आपको बता दिया 449 रुपीज़, और रिफिल का प्राइस है 399 रुपीज़, जिसमें आपको 200 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। बहुत कम ब्रांड ऐसे हैं, मतलब मैंने तो 2-4 ब्रांड का ही नाम सुना है जो कि ऐसे रिफिल वाले सिस्टम के साथ या फिर कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं या आए हैं मार्केट में। वैसे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सभी को लाना चाहिए, क्योंकि एक बार आप एक फेस वॉश बाई करते हैं, उसे थ्रो कर देते हैं, रिफिल रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा ब्रश भी मिलता है, ये सिलिकॉन वाला, इन केस अगर आपका ब्रश खराब हो जाए तो आप दूसरा यूज कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। और ये है इसका रिफिल पैक। वैसे एक फेस वॉश आपका काफी लंबे टाइम के लिए चलेगा, तो आपका रिफिल जो है, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, नो, दोनों को कंबाइन करके यूज करें, तो आई थिंक आपका 6 से 7 महीने या 8 महीने तो इजीली चल जाएगा। काफी अच्छी डील है। तो ये है सबसे पहला प्रोडक्ट, पहला या दूसरा जो भी प्रोडक्ट। नेक्स्ट है दो एलोवेरा जेल। सबसे पहला एलोवेरा जेल है प्योर विटामिन सी स्लीपिंग नाइट जेल, और इसका प्राइस है 399 रुपीज़, जिसमें आपको 150 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और विटामिन सी नाइट स्लीपिंग जेल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो स्लीपिंग मास्क होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। देखते हैं कि ये कैसा काम करता है, मतलब बाकी तो मैंने ऐसे कई सारे यूज़ किए हैं और DIY करके भी यूज़ किए हैं, तो मुझे पता है कि हाँ वो बहुत अच्छा काम करते हैं। देखना ये है कि ये कितना अच्छा काम करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्योर विटामिन सी डेली फेस जेल, और ये है डे के लिए, और दूसरा है नाइट के लिए। तो अलग अलग है, अगर आप नाइट के लिए बाई करना चाहती हैं तो नाइट वाला वर्जन बाई करिएगा, अगर आप डे के लिए बाई करना चाहती हैं तो डे वाला वर्जन बाई करिएगा। और इसका भी प्राइस सेम है 399 रुपीज़, जिसमें आपको 150 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। मैंने इन दोनों ही एलोवेरा जेल को ओपन नहीं किया है, रीज़न आपको बहुत अच्छे से पता है। पहला रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा
बिजी थी। दूसरा रीज़न ये है कि विंटर इतनी ज़्यादा है, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा है कि ऐसे में बहुत ज़्यादा स्किन केयर करने का मन नहीं करता है। लेकिन आज क्योंकि मैंने इन सब प्रोडक्ट को बाहर निकाला है, तो आज मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी, क्योंकि जब तक यूज़ नहीं करूँगी इनका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर कर पाऊँगी। तो ये है प्रोडक्ट, एक मैंने खुद से ही बाय किया था एक्चुअली। मेरा जो नेल पॉलिश रिमूवर था वो फिनिश हो गया था, तो मैंने यहाँ पे बाय किया है मैट लुक का नेल पेंट क्लिंजर पैड्स, और इनका प्राइस है आई थिंक 60 रुपीज़ इनका प्राइस था, बट इस पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा है। और इसमें आपको 30 पीसेस, हाँ 60 रुपीज़ मेंशन है, मुझे ही नहीं दिखा। और इसमें आपको 30 पीसेस मिलते हैं, ये कुछ इस तरह से है। और सच कहूँ तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस प्रोडक्ट को बाय करिए। पॉइंट नंबर वन, अगर आप इसमें इतने ही प्राइस में लिक्विड थिनर बाय करती हैं, लिक्विड नेल पॉलिश रिमूवर बाय करती हैं, तो वो आपका ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलेगा। पॉइंट नंबर टू, ये पैड्स हैं तो जल्दी ड्राई हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री, ये नेल पॉलिश को अच्छे से रिमूव नहीं करते हैं। मैंने नायका की नेल पॉलिश अप्लाई की थी, वो भी अच्छे से रिमूव नहीं हुई। मैंने एनवाई बे की नेल पॉलिश अप्लाई की थी, वो भी अच्छे से रिमूव नहीं हुई। पॉइंट थ्री मैंने बता दिया। पॉइंट नंबर फोर, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा, जो केमिकल पेंट होते हैं उनकी जैसी स्मेल है, मतलब इसकी स्मेल ऐसी है कि आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड स्मेल है, तो मुझे ये किसी भी पॉइंट से बिल्कुल भी सही नहीं लगा है। ऑन द गो के लिए ठीक है कि आप इसे अपने हैंड बैग में कैरी कर सकती हैं और नेल पॉलिश को रिमूव कर सकती हैं, बट फिर भी यार 60 रुपीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे वर्थ बाइंग नहीं लगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे बाई करिए। तो आई थिंक मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, क्या मुझे पीआर में रिसीव हुआ है। और आपको इनमें से किस प्रोडक्ट का रिव्यू सबसे पहले देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये पॉइंट मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी आप में से कभी कोई नहीं कहता है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट का रिव्यू सबसे पहले देखना है, एक आध लोगों को छोड़ के। फिलहाल इस बार भी मैं वही कहूँगी कि जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपको सबसे पहले देखना हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरा पीआर हॉल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इन्जॉय किया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।